वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग जायका. जायका में आज बात हो रही है न्यूट्रिशियस फूड की. ब्रेक पर जाने से पहले एक न्यूट्रिएंट्स रिच रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी. शेफ सौरभ कालिया हमारे साथ हैं, जो कि एक सैलेड की रेसिपी अब हमारे साथ शेयर करेंगे. तो शेफ, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कौन से सैलेड हम बनाने वाले हैं. आज हम नटी हार्वेस्ट सैलेड बनाने वाले हैं. जो हम यहाँ न्यूट्रिशियस नेशन में हम सर्व करते हैं. सो उसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं. या बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं. तो इंग्रेडिएंट्स पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे. श्योरली, यहाँ हमने रेड और येलो बेल पेपर रखे हैं. रेड कैबेज है, चेरी टोमेटोज हैं, ब्रोकली है, फ्रेश कैरेट है, आइसबर्ग लेटस है, बेबी स्पिनच है, ग्रीन लेटस है, पार्सले है, चेरी टोमेटोज है एंड चिक पीस हैं हमारे पास. ओके, तो लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. और सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आज न्यूट्रिशियस फूड की आज हम बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स का होना कितना ज़रूरी है. और ये आई एम श्योर इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सैलेड कितना हेल्दी होने वाला है. तो ठीक है, अब इसकी रेसिपी की बात करते हैं. सबसे पहला क्या, किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी हमें? पहला हमको एक मिक्सिंग बाउल लेना है, जिससे जिसमें हम आइसबर्ग लेटस थोड़ा डालेंगे. ये हमने आइस बाथ दे के रखा है इसमें, जो जिसे क्रिस्पी हो जाता है. और उसके बाद बेबी स्पिनच, इसको हम थोड़ा सा हाथ से तोड़ सकते हैं छोटे ईटेबल पीसेस में. और ग्रीन लेटस साथ में, वही वैसे ही थोड़ा सा बाइटेबल साइज करके. आप इसको नाइफ से नहीं काट सकते, क्योंकि नाइफ से काटने के बाद ये थोड़ा सा कलर चेंज करता है. तो वी हैव टू डू इट विद हैंड्स ओनली. इसके बाद हम रेड और येलो बेल पेपर डालेंगे इसमें, और रेड कैबेज या पर्पल कैबेज जिसको आप बोल सकते हैं, ब्रोकली, कैरेट्स. और इसको हम थोड़ा सा सॉल्ट पेपर डालेंगे इसमें थोड़ा सा. और आप यहाँ देख सकते हैं हमने कि इसकी ड्रेसिंग भी बना के रखी हुई है. हम इसको लेमन ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग में सर्व करते हैं. लेमन ऑलिव ऑयल बनाने के लिए आपको ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और सॉल्ट और ब्लैक पेपर चाहिए. ओके, तो मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स बस हमें इकट्ठे मिक्स करने हैं और थोड़ा सा उसको व्हिप करना है. ओके, व्हिप करना है. ओके, इस पर हम थोड़ा सा ड्रेसिंग डालेंगे. अगर इस सारे की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए, सिंस हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर स्पेसिफिकली अगर हमारे इंग्रेडिएंट की बात कर सकें. ये रफली 250 कैलोरीज हैं इसमें. एंड हम इसके ऊपर जैसे चिक पीस इसके साथ हम सर्व करते हैं, बॉयल्ड चिक पीस. तो चिक पीस में ला के इसमें प्रोटीन की जो क्वान्टिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स आपको ये देता है. तो अगर आप ये एक सैलड खाते हैं तो सो यू विल गेट 250 कैलोरीज एंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. दैट्स वेरी गुड. इसको अब हम सर्व कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना रिफ्रेशिंग ये दिखता है. Exactly. और जितनी कलर्स आपकी किसी भी रेसिपी में या सैलड में हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और बढ़ जाती है, और वो आपकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है. ठीक है, तो ये अब हम प्लेट में डाल चुके हैं शेफ, अब क्या करना है? इसके बाद इसमें हम चिक पीस ऐड करते हैं. चिक पीस जो है इसका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है. तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता, ये आपका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जैसे कि शेफ ने बताया. और इसकी गार्निश के लिए हम थोड़े से पोमीग्रेनेट हमने ऑलरेडी रखे हुए निकाल के. हम नट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. नट्स डालने का भी ऑप्शन है आपके पास. और फ्रूट्स अगर शेफ अगर और ऐड करने हो, जैसे यहाँ हम पोमीग्रेनेट तो डाल ही रहे हैं, इसके अलावा हम कोई भी कट फ्रूट, ऑरेंजेस, एप्पल, वाटरमेलन हम उसमें ऐड कर सकते हैं. और थोड़ा सा हम पार्सले डालेंगे इसमें, क्योंकि पार्सले गिव्स गुड कलर टू द सैलेड एंड ऑल्सो इज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग. और हमने यहाँ बाल्समिक रिडक्शन रखा है, जो थोड़ा सा एक और इसमें स्टेप ऐड कर देता है इसकी टेस्ट और इसकी गार्निशिंग में. इसमें हम ड्रिजल कर देते हैं हल्का सा. ये सैलेड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सैलेड तैयार है. बट ये सैलेड आपको टेस्ट करने के लिए देने से पहले मैं आपके लिए एक डिटॉक्स जूस और देना चाहता हूँ उसको टीम अप करने के लिए. ठीक है. सो हम उसको हमने हमारे मेन्यू में जो उसका नाम है वो डेली डिटॉक्स है. वो एप्पल, कैरेट और बीटरूट और मिंट से बनता है.
एंड वेरी रिफ्रेशिंग. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. सैलेड को अगर हम टीम करेंगे डिटॉक्स जूस के साथ, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है. डिटॉक्सिफिकेशन एक तरीके से हमारी बॉडी की क्लेंजिंग होती है. शेफ, लेट्स गो अहेड. अब जूस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हमें डिटॉक्स जूस बनाना है. ठीक, थैंक यू. सो डिटॉक्स जूस बनाने के लिए हमें चाहिए एप्पल, कैरेट, बीटरूट एंड मिंट. बहुत ईजी है. एप्पल डालते हैं सबसे पहले. सबसे पहले एप्पल डालेंगे हम इसमें. साथ साथ में हम इसमें मिंट भी ऐड करते रहेंगे. okay. ताकि उसका भी फ्लेवर मिक्स हो जाए बीच में. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जूस में हम जितनी भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, सब चीज़ों का कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट है. एप्पल की बात करें तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. कैरेट की बात करें तो कैरेट बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए. इट्स वेरी गुड फॉर आवर आईज. एंड इफ यू टॉक अबाउट बीट रूट एक वैसे ही एक बहुत अच्छा डिटॉक्स फूड माना जाता है. तो हमने एप्पल, कैरेट और मिंट डाल दिया है. नाउ वी आर एडिंग सम बीटरूट टू द जूस. बीटरूट जो है वो आपका ब्लड प्योरीफाई भी करता है और कहते हैं कि इट्स अ डायरेक्ट सोर्स फॉर टू जनरेट ब्लड इन बॉडी. सो जूस जैसा आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है हमारा. तो जूस हमारा रेडी हो गया है. बहुत हेल्दी जूस है ये. डिटॉक्स जूस है, डेली डिटॉक्स जूस. और बहुत बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने सारे इसमें डाले हैं. हमने कैरेट, बीटरूट, मिंट इसमें यूज़ किया है. एप्पल हमने इसमें डाला है. और बहुत बहुत रिच लग रहा है देखने में. बहुत हेल्दी लग रहा है. ये आप सैलेड के साथ आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले सैलेड ट्राई कर लेते हैं कि जितना हेल्दी ये है, क्या टेस्टी भी ये उतना है. हम वो चेक करते हैं. इट इज़ वेरी टेस्टी शेफ. थैंक यू, थैंक यू. बहुत हेल्दी तो ये है ही, लेकिन साथ में जो नट्स और हमारे जो पोमेग्रेनेट जैसे हमने डाला है, उसका टेस्ट आया. सिर्फ मेरी एक बाइट में जो कुछ भी आया, मैं उसके हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा है. बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत फीलिंग भी रहेगा. ठीक है, तो अब जूस की बारी है. जूस देखते हैं कि जूस कितना टेस्टी है. जूस बहुत अच्छा है. एप्पल और कैरेट का ही इसमें ज़्यादातर टेस्ट आ रहा है. और मिंट, आई थिंक मिंट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें. और अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आई थिंक मिंट ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल. ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत बहुत मज़ेदार आइडिया है. बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी आइडिया है. और आज हमने आपके साथ दो बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर की, जो कि बहुत टेस्टी थी और साथ ही साथ बहुत न्यूट्रिशियस भी. वक्त है रीकैप का. कंफर्ट फ्यूल बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करें. मैरिनेट करने के लिए चिकन में चॉप गार्लिक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल डालें और हाथ से मैश करें. अब एक पैन लें, थोड़े से ऑलिव ऑयल में गार्लिक, मशरूम, बीन्स, जुकिनी, ब्रोकली, सॉल्ट, पेपर और ऑरिगैनो के साथ सौते करें. पहला पोर्शन रेडी है. सेकेंड पोर्शन के लिए पैन में ऑलिव ऑयल डालकर गार्लिक, मशरूम्स, ब्राउन राइस को सॉल्ट एंड पेपर के साथ सौते करें और ऊपर से पार्सले डालें. रेडी है सेकेंड पोर्शन. थर्ड पोर्शन के लिए मैरिनेटेड चिकन को ग्रिल कर लें और डिश में प्लेस करें. डिश को बारबेक्यू सॉस से गार्निश करें. रेडी है न्यूट्रिशियस कंफर्ट फ्यूल. नटी हार्वेस्ट बनाने के लिए एक बाउल में आइसबर्ग लेटिस, बेबी स्पिनच, ग्रीन लेटिस, रेड येलो बेल पेपर, रेड कैबेज, ब्रोकली, कैरेट को सॉल्ट और पेपर के साथ मिक्स करें. अब इसमें लेमन ऑलिव ऑयल ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें. इस सैलेड की प्लेटिंग करने के बाद ऊपर से चिकपीस, अनार और नट्स डाल दें और पार्सले के साथ गार्निश करें. नटी हार्वेस्ट इज रेडी. डेली डिटॉक्स जूस बनाने के लिए जूसर में एप्पल, कैरेट, बीटरूट और मिंट डालें और जूस को सैलेड के साथ सर्व करें. थैंक यू सो मच शेफ, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी टेस्टी और इतनी न्यूट्रिशियस बहुत हेल्दी रेसिपीज आपने हमारे साथ शेयर किया. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने आज का एपिसोड बहुत एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इसी के साथ जायका के आज के एपिसोड में बस इतना.